नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। आज केंद्रीय गृह मंत्री और गांधीनगर के सांसद अमित शाह गुजरात के मेहमान बने थे। आपको बता दें कि अमित शाह अहमदाबाद नगर निगम के आयोजित मिशन मिलियन ट्री के समापन समारोह में शिरकत करने गए थे। इस कार्यक्रम में अमित शाह ने 8 इलेक्ट्रिक बसों का प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल शहरी वातावरण सुनिश्चित करने के लिए हरी झंडी दिखाई थी। जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी की मौजूदगी में प्रधानमंत्री का पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत के लोगों ने पेरिस पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय समझौते में जोरदार आगाज शुरू कर दिया है, जहां ओजोन स्तर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के निरंतर उत्सर्जन के साथ घटता जा रहा है। हमें वृक्ष, नदी, पृथ्वी जैसी प्रकृति के उपहार के संरक्षण की भारतीय संस्कृति की परंपरा को बनाए रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जल ऊर्जा के लिए एक अलग मंत्रालय बनाए हैं और इस कारण पूरी दुनिया को मार्गदर्शन मिल गया है। जल शक्ति मंत्रालय जल संरक्षण, कुशल सिंचाई प्रथाओं और अपशिष्ट जल प्रबंध की अवधारणा को पूरा करेगा। इसके साथ ही अमित शाह ने लोगों से आग्रह किया है कि पृथ्वी हमारी माता है और इसका शोषण नहीं करना चाहिए। दर्शकों, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।